फील गेम फैमिली, आज फरवरी का आखिरी दिन है और आप लोग जान रहे हो कि मार्च शुरू होगा और सिर्फ 4 दिन और यानी कि 5 मार्च को। ज्यादा नहीं, बस 2K का मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम यानी कि WWE 2K24 आने वाला है। और ये बोलना गलत रहेगा कि 2K24 के लिए सिर्फ मैं एक्साइटेड हूँ। ना 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 भाई, मैं 20-25 दिन से ऐसे दिन धीरे धीरे कम कर रहा हूँ ना, जैसे कि बस कुछ ही दिनों में IIT में क्रैक करके IIT में जाने वाला हूँ, तो ऐसे मैं दिन गिर रहा हूँ इस 2K24 के लिए। और जैसे मैंने वादा किया है कि 2K24 आने से पहले डेली आपको एक नया मैच टाइप देखने मिलेगा। भले ही अब मैच टाइप कम होते जा रहे हैं, लेकिन आज एक और मैच मिल गया है, TLC बोले तो टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स। लेकिन इस मैच में जीतने के लिए किसी को बेल्ट वेल्ट नहीं तोड़ना है, नहीं। इन 5 सुपरस्टार्स के लिए जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है और वो है पिनफॉल। और इस मैच में एलिमिनेशन नहीं है, यानी कि इन 5 में से जिसने भी पहले पिनफॉल किसी भी एक सुपरस्टार का करवा लिया वो आज का मैच जीत जाएगा। तो हो सकता है मैच शुरू होते साथ खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है कल की तरह मैच कुछ ज्यादा ही लंबा चले और खत्म नहीं हो। वो तो अभी कुछ देर में हम लोग देख ही लेंगे। और आपको पता होगा कि मैच खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, वीडियो की लेंथ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैच खत्म हुआ है कि नहीं। अच्छा, GM मोड में बहुत सारे चेंजेस किए हैं 2K24 ने और अब और रहा नहीं जा रहा है भाई। GM मोड 1 साल हो गया खेले हुए और अब ठीक है ना, नया नया गेम आता है तो हम लोग खेलते हैं GM मोड, खास करके Season 1 तो एटलीस्ट खेलते ही है। और इस साल मैं ट्राई करूंगा कि Season 1 के आगे भी खेलूं और 5-6 सीजन तक चलेगा भाई GM मोड। और फिर करियर मोड तो है ही, और करियर मोड का सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस साल करियर मोड में रोमन, कॉडी रोड्स, इन सब ने अपनी अपनी आवाज दी है। और रोमन ने पहली बार करियर मोड में अपनी आवाज दी है। ऐसे रोमन तो और भी टाइम करियर मोड में थे, लेकिन रोमन ने कभी अपनी वॉइस नहीं दी थी करियर मोड में। लेकिन इस साल ये चेंज हो गया है, रोमन बोलते हुए भी नजर आएंगे और मजा आएगा भाई करियर मोड में। नहीं, रॉकी वापस आने वाला है कुछ ही दिनों में। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ ना कि आप में से ज्यादातर लोगों की एग्जाम खत्म हो जाए, और अगर नहीं भी खत्म हो गए तो कोई नहीं, एग्जाम के बाद देख लेना। मुझे लगता है कि मार्च में ज्यादातर लोगों के एग्जाम खत्म ही हो जाएंगे। वैसे कमेंट करके बताना तो आज आप लोग कब कब एग्जाम खत्म हो रहे, अभी तो चल ही रहे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। जो पता है इस मैच में फॉल्स काउंट एनीवेयर नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर पिनफॉल हो सकता है। और इस मैच में सारे ही ऐसे सुपरस्टार है, रॉक के पास भी शार्प शूटर तो है ही, सारे ऐसे सुपरस्टार है भाई जिनके पास अच्छा अच्छा सबमिशन है। लेकिन इस मैच में सबमिशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि सबमिशन वाला मैच है नहीं। हाँ, रेजिलेंस खत्म करवाने की काम आ सकता है, क्योंकि AI को ऐसा डिजाइन किया है ना 2K ने कि भाई अगर सबमिशन मैच नहीं भी है, सिर्फ पिनफॉल मैच है, तो ये लोग सबमिशन से आई थिंक ये रेजिलेंस यूज कर लेते हैं। 2K को ना, जब इतना सारा AI में एडवांस आ गया है पूरी दुनिया में, 2K भी अपने AI पे थोड़ा और काम करेंगे ना, तो थोड़ा और रियलिस्टिक मैच देखने मिलेगा। नहीं, इस साल तो 2K ने जितने भी एक्स्ट्रा मैचेस थे सब दे दिए, अब नेक्स्ट ईयर 2K क्या करेंगे, अब तो नेक्स्ट जेन गेम बनाने ही पड़ेगा, नहीं वरना बेचेंगे कैसे। हर साल कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है ना। क्या फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ और 2-3 मैच ऐड कर देंगे और 2-3 नए नए फीचर्स, और इसी सेम टू सेम गेम को अगले साल भी चिपका देंगे। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, 2K23 के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं 2K24 के लिए एक्साइटेड होऊंगा भी, क्योंकि 2K23 में आपको याद है ना, इतना मैं एक्साइटेड नहीं था, आने वाला था तो मैं दिन भी नहीं गिन रहा था, बस लग रहा था कि हाँ आ जाओ जल्दी से देखते हैं कैसा गेम। ठीक है, टेकर और रोमन दोनों एक साथ पिनफॉल करवा रहे, लेकिन रॉक की रेजिलेंस जा सकती है, रॉक की गई 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 भाई, रॉक अब टारगेट बन गए, सबको रॉक को पकड़ना चाहिए। मैंने बोला ना, ये मैच हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बस रॉक को कोई एक फिनिशर, अरे रॉक बॉटम ही लगा दिया, लेकिन गलत टाइमिंग गलत है। टेकर अगर बिजी रहे, रॉक पिनफॉल काय को नहीं करवाया, इतना अच्छा मौका मिला था, रोमन पिनफॉल करवा रहे चालू रोमन, लेकिन लेस्टर सामने ही खड़े हुए थे बचाने के लिए। सही है, रॉक पिनफॉल करो, एक दो और आदमी की रेजिलेंस खत्म करो, ताकि रॉक के अलावा भी लोग टारगेट बने रहे, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि सिर्फ रॉक का पिनफॉल हो सकता है, और अगर रॉक बाहर चले गए तो फिर किसका पिनफॉल होगा, इसलिए एक आध आदमी की रेजिलेंस खत्म हो जाए, या मैं तो बोलता हूँ सबकी रेजिलेंस खत्म कर दो, तभी इस मैच में कुछ होगा। कट एंगल लगाओ, एंकल लॉक सबमिशन लगा देते, कोई नहीं कोई नहीं, रोमन और रॉक का बाहर चल रहा है, ये रेसलमेनिया का प्रीव्यू है क्या, ऐसे भी ओहो नॉर्मल सबमिशन, और ब्रॉक देख रहे हैं सबमिशन एक दूसरे को देने देंगे ये लोग, क्योंकि सबमिशन मैच तो है नहीं, पिनफॉल मैच है, इसलिए पिनफॉल से बचाएंगे, सबमिशन नहीं बचाएंगे। चलो एटलीस्ट AI इतना समझदार है कि सबमिशन नहीं बचा रहा एक दूसरे का। ब्रॉक फिनिशर देने जा रहे, ब्रॉक की रेजिलेंस खत्म हो सकती थी लेकिन नहीं। रेसलमेनिया 40 में भाई जॉन सीना भी नहीं, ब्रॉक लेसनर भी नहीं, ऐसे में सुन रहा हूं कि जॉन सीना को बुलाया जा रहा है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन देखो
सीना आ पाते यानी, और मैच तो नहीं कर पाएंगे सीना, लेकिन एटलीस्ट स्पेशल एक अपीयरेंस नहीं होता है, जैसे सीना हमेशा रेसलमेनिया में आ ही जाते हैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ करने के लिए। तो ठीक है, एक आध सेगमेंट के लिए आ जाए, 5-10 मिनट के लिए, हम फैंस उतने ही में खुश हैं। और ब्रॉक आ ही जाते भाई, फैंस सरप्राइज नहीं हो जाएंगे? लेकिन ना ना ना, जब तक ब्रॉक के ऊपर केस चल रहा है ना, तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई बुलाएंगे नहीं ब्रॉक लेसनर को। अरे मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर विंस मैकमैन के हाथ में होता ना, वो इसी टाइम का फायदा उठाते, उल्टा ये जो एलिगेशंस लगे ना, इसका फायदा उठा के ब्रॉक को और उल्टा बुला लेते, ताकि और लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई देखें, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बात करें। लेकिन ट्रिपल एच और निक खान ये सब ये रिस्क नहीं लेंगे भाई। मिस्टर मैकमैन ले सकते थे, मिस्टर मैकमैन उल्टी खोपड़ी के आदमी है, तो वो जानबूझ के ये रिस्क लेते। रॉक गए चॉक स्लैम, ब्रॉक और कट एंगल बाहर है, रेजिलेंस है नहीं रॉक के पास, टाटा बाय बाय गुड बाय टेक अस, जीत रहे, मैच खत्म कुछ ज्यादा ही जल्दी। रॉक ने किक आउट कर दिया, अच्छा सिग्नेचर ही था, और रॉक उतना भी मार नहीं खाए। अच्छा कट एंगल पता है बचाने आ रहे थे, ब्रॉक ने कट एंगल को रोक लिया, ब्रॉक क्या चाह रहे हो? ओके, रॉक के बाद रोमन की भी रेजिलेंसी जा सकती है, अगर रॉक बीच में, ओ आ गए, बीच में आ गए, ब्रॉक लेसनर भी आ चुके हैं, फिनिशर ब्रॉक देने का इरादा है, रोमन का पिनफॉल, रोमन की रेजिलेंस गई डेफिनेटली, जानी थी भाई, रोमन ब्रॉक दोनों टारगेट बन गए, इन दोनों में से किसी का भी पिनफॉल हो सकता है, अब ब्रॉक भी टारगेट बन सा है, और रोमन बार बार ब्रॉक को क्यों बचा रहे, ये दूसरी बार है जब रॉक से, एक बार तो गलती से बचाया था, इस बार जानबूझकर दो बार रॉक बॉटम खाने से बचाया, क्यों रोमन? टिकर सर बाहर ही रह गए, टिकर अंदर जाओ सर, सामान वामान लेके जाओ, टीएलसी मैच है तो लैडर वैडर लेके जा सकते हो। रोमन गिलिटिन ठीक है, टैप आउट कर भी दिया है रॉक ने, लेकिन ये पिनफॉल ओनली मैच है, अगर पिनफॉल सबमिशन दोनों रहता तो रोमन अभी जीत जाते, लेकिन ऐसा मैच है नहीं, ओनली पिनफॉल है। ठीक है सर, आप बाहर खड़े हो कि स्टाइल क्यों मारे जा रहे हो? अगर स्टाइल ही मारना है तो अंदर जाओ, डायरेक्ट पिनफॉल कर सकते थे रॉक, पता है अगर रॉक का डायरेक्ट पिनफॉल करते तो शायद हो भी जाता, लेकिन F5, अरे F5 ऐसे भी दे देते तो ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि रोमन रिंग के अंदर ही है, तो रोमन बचाने के लिए तैयार थे टेकर फाइनली। ठीक है सर, आपके लिए दो दो शिकार है, रॉक रोमन दोनों में से किसी का भी पिनफॉल हो सकता है, चांसेस है, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन चांसेस है। और रोमन गलत टाइम पे स्पीयर, क्योंकि कट एंगल भी होश में है, ब्रॉक भी होश में, गलत टाइमिंग गलत थी, इरादे सही थे, पिनफॉल का इरादा ठीक था लेकिन गलत हो गया। ब्रॉक अच्छा मौका मिला है, लेकिन वही है ना, फैटल फाइव वे मैच है, तो एक आदमी हमेशा फ्री रहेगा पिनफॉल बचाने के लिए, जो कि वही मेन मैटर करता है, वो एक आदमी को हटाओ रास्ते से, तभी आप पिनफॉल कर सकते हो। जो दो आदमी का पिनफॉल हो सकता था, रोमन और रॉक दोनों बाहर खड़े हैं, एक काम करो, कट एंगल, ब्रॉक और टेकर सर, अपनी अपनी रेजिलेंस खत्म करवा लो, ताकि सबका पिनफॉल हो सके, क्या बोलते हो? डबल टीम अप, टेकर सर डबल चॉक स्लैम क्यों नहीं दिया? इतना अच्छा मौका था एंगल के साथ डबल चॉक स्लैम देने का। ओहो क्या लपका है भाई, कट एंगल खतरनाक, लेकिन सबमिशन मैच है नहीं, टेकर सर टैप आउट भी कर देते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ब्रॉक ने पूरे मजे लिए, और टैप आउट तो नहीं किया टेकर ने, लेकिन रेजिलेंस यूज कर ली अपनी, गलती, अब टेकर भी खतरे में, और जो लोग का पिनफॉल हो सकता था सब नीचे है, रोमन रॉक टेकर, ओ भाई रेफरी का पिनफॉल करवा लो ब्रॉक, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि अब ऐसा भी गेम लाने वाले हैं जिसमें रेफरी का भी पिनफॉल होगा, मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल अब 2K ने खुद के लिए एक दिक्कत क्रिएट कर ली है, इतना ही अच्छा मैचेस दे दिया है कि अब अगले साल या तो ग्राफिक्स कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कुछ ज्यादा ही अलग अलग मैचेस डालने होंगे, तभी गेम बिकेगा भाई, वरना सब बोलेंगे सेम टू सेम है, जैसे 2K22 और 23 में हुआ था। हाँ वो अलग बात है, इसके बाद भी 23 बहुत बिका था, लेकिन उसका एक कारण है, 23 इसलिए बिका था क्योंकि उसमें वॉर गेम मैच था, तो बहुत लोग को खेलना था वॉर गेम मैच, और वॉर गेम मैच फर्स्ट टाइम 2K में आया था, मतलब WWE गेम में, आज से पहले वॉर गेम मैच कभी नहीं था, तो इस वजह से बिका था। अब नेक्स्ट ईयर पता नहीं 2K क्या करेंगे, चलो आप लोग कॉमेंट करो क्या लगता है नेक्स्ट ईयर 2K क्या ऐसा कर सकते हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर कब आ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, पर इस साल IPL भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, लो भाई ऐसे साल पार होगा आपको पता नहीं चलेगा 25 में कब आ गए हम लोग, सारे लोग भाई यहाँ बैरिकेड के कॉर्नर में खड़े हो गए, ये मैच लंबा जाने वाला है, मैं तैयार हूँ, पता नहीं आप लोगों को तो टाइमर दिख रहा होगा अगर मैच खत्म हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि मैच बहुत लंबा जाने वाला है, सब कोने में घुस गए जहाँ पर लैडर है, और कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे तीन तीन आदमी है जिनका पिनफॉल हो सकता है, लेकिन सब तो यहीं पे खड़े हुए, रोमन
रॉक और रोमन दोनों ही अंदर चले जाओ, एक दूसरे का पिनफॉल करवा लो या कुछ करो, ताकि रेसलमेनिया 40 में जो मैच नहीं हो पाया रॉक वर्सेस रोमन वो कम से कम, ओहो अच्छा हुआ कि लैडर गिरा है भाई, बहुत अच्छा हुआ। अब ये लोग एक दूसरे को अंदर ले जा सकते, टेकर सर ट्राई कर रहे थे, ऐसा नहीं है, टेकर बार बार ट्राई कर रहे लेकिन गलत जगह दौड़ाया। टेकर सर रॉक को लेके जाओ, रॉक को लेके जाओ, पक्का आप जीत जाओगे, या एक दूसरे को अरे कोई तो लेके जाओ भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो, इतने इतने लोग, रोमन रोमन करेंगे वो काम, रोमन बहुत बढ़िया जीत का, अरे जीतना था रोमन स्टाइल, गलत टाइम पे जीत सकते थे रोमन, अंदर घुस के स्पीयर चिपका देते तो शायद जीत जाते, अरे अरे एक एक आदमी को सब भेज रहे हैं लेकिन कोई दूसरा आदमी नहीं जा रहा है, लगता है अब रेफरी को पिनफॉल करवाना होगा क्योंकि और तो कोई पिनफॉल कर रहा नहीं है। ब्रॉक सामने, शिकार ब्रॉक सामने था, जीत सकते थे ब्रॉक लेसनर, टेकर सर से भिड़ने की क्या जरूरत थी, या दोनों ही अंदर आ जाओ, फाइनली फाइनली एक आदमी जीत रहा है, रॉक जीतेंगे, रोमन को होश है, रोमन आगे बचा लेंगे भाई जीतने का, और रोमन आ गए, अरे रोमन ये क्या, बड़े भाई को जीतने दिया, रोमन बड़े भाई की इज्जत करते, देख लिया ना भाईचारा, वाह रोमन वाह, रॉक को जीतने दिया, रॉक की इस जीत के बाद बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये बिक चुकी है ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन के सारे लोग मिलके फेल आर्मी को पागल बना रहे, ओ भाई साहब आपस में एक दूसरे को जीतने दे रहे, सही है। तो फेल आर्मी जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर से बताना कि कल कौन सा मैच टाइप आप देखना चाहोगे, बस अब कुछ ही दिन बच गए, चार और वीडियो, उसके बाद जो पांचवी वीडियो होगी वो 2K24 की होगी, हाँ सही है, चलो ठीक है मैं मिलता हूँ कल, लाइक कर लेना वीडियो को, टाटा।